हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, तीज आने वाली है और तीज पर घेवर तो स्पेशली बनाया जाता है, तो आज हम लोग घेवर बनाकर तैयार करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक ही बैटर से हम तीन तरह के घेवर, यानी कि दूध के घेवर, पनीर घेवर और रबड़ी घेवर किस तरह कैसे बना सकते हैं। ये इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूध के घेवर बनाना। घेवर बनाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी लिया है। यहाँ पर मैंने देशी घी का यूज़ किया है। घी के साथ में ही हम थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से फेटेंगे। जब तक कि अच्छे से वाइट नहीं हो जाता और थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फेटते रहेंगे। आप चाहें तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन हाथ से फेटने में ये ज़्यादा अच्छे से फेटता है, तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से फेट लिया है। आप देख सकते हैं कि घी का कलर व्हाइट हो गया है, काफी सॉफ्ट भी हो गया है। तो हमने आइस क्यूब्स को निकाल दिया है और आइस क्यूब्स को निकालने के बाद में अब हम इसे दोबारा से फेटेंगे। एक बार एकदम सॉफ्ट कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो, किसी भी तरीके के लम्स ना हो। अच्छी तरह से इसको हम हाथों से फेट लेंगे। इसके बाद में हम मिक्सर का यूज करेंगे बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब हम घी को एक मिक्सर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जार में ट्रांसफर कर लिया है घी को। साथ में ही हम 3½ कप, यानी कि 3.5 कप ठंडा दूध लेंगे। एकदम चिल्ड दूध हमने यहाँ पर यूज किया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना मैदा लिया है और 1/2 कप बेसन का यूज किया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जार हमने लिया है उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बनाकर हमको तैयार करना है। तो हम दोनों चीजें डाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी और पूरा बैटर हम बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। और बैटर बनाने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है मिक्सी में ही। तो हम बैटर बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैटर बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बैटर में कुछ लम्स हैं तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से 4-5 मिनट के लिए इसको फेंट लिया था मिक्सी में ही, तो उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। सारे बैटर को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये देखिए कितना अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद में हम इस बैटर के साथ में 2 छोटे चम्मच इतना नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि जो घेवर है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और जो हनीकॉम टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा इसमें निकल कर आता है। इसके बाद में एक पैन में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं इसमें। और जो घी है वो काफी अच्छे से गर्म होना चाहिए और जो बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते जाएंगे, यानी कि एक बार डालेंगे और फिर उसके बाद जब ऊपर से बबल्स कम हो जाएंगे फिर हम दूसरा पोर्शन डालेंगे। और जो फ्लेम है उसको हम मीडियम पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है और कम भी नहीं रखनी है, यानी कि ऑयल जो है वो हमेशा गर्म बना रहना चाहिए, इतनी हमें इसमें हीट होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर फिल करेंगे। यहाँ पर हम अपना घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि साइड में थोड़ी थोड़ी जाली बनने लगी है। आप चाहें तो दूध की जगह पानी से भी इसका बैटर बनाकर तैयार कर सकते हैं और पानी भी हमें ठंडा ही यूज करना है। यहाँ पर हमारा घेवर बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने दूसरे बर्तन में भी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम अपने घेवर के ऊपर थोड़ा गर्म ऑयल डालेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ऊपर से भी हमारा घेवर अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो जाएगा, एकदम अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो हम गर्म गर्म ऑयल इसके ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद में नाइफ की सहायता से हम साइड से इसके रिलीज करेंगे और अपने घेवर को पतीले से बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमारा घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा घेवर बिल्कुल बनकर तैयार है, ये देखिए कितना अच्छा घेवर बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे घेवर बनाकर तैयार करेंगे।
यहाँ पर हमारे सारे घेवर बनकर के तैयार हो गए हैं और इतने बैटर में से मैंने 6 घेवर बना करके तैयार किए हैं। ये मीडियम साइज के हैं, आप छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम शुगर सिरप लगाएंगे यानी कि चाशनी चढ़ाएंगे अपने घेवर पर। तो यहाँ पर मैंने एक तार की चाशनी बना करके तैयार कर ली है। चाशनी बनाने के लिए आप 1 कप चीनी लें और उसमें 1/2 कप पानी डाल करके 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लें और चाशनी को अपने घेवर के ऊपर डाल दें। जितनी भी आपको पसंद हो, कम या ज्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो जितने घेवर आपको एक बार में यूज करने हैं उस पर आप चाशनी चढ़ा लें, बाकी के घेवर को आप एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। इसके बाद में मैं इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना करें। ये हमारा दूध का घेवर बनकर तैयार हो गया है। अब हम रबड़ी वाला घेवर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने घेवर लिया है जो हमने अभी बनाया था, उसके ऊपर हम चाशनी लगाएंगे और यहाँ पर हम चाशनी बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से रबड़ी भी इसमें लगानी है। थोड़ी सी चाशनी हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ पर मैंने इंस्टेंट रबड़ी बना करके तैयार कर रखी है। इंस्टेंट रबड़ी किस तरीके से बनाई जाती है इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाती है, 5 मिनट में बन जाती है ये रबड़ी। तो वो हम रबड़ी इसके ऊपर डाल देंगे और ये हमारा रबड़ी वाला घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको पनीर वाला घेवर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने घेवर का बैटर बनाया था, बैटर वही रहेगा। आपको क्या करना है, 1/2 कप जितना फ्रेश पनीर लेना है और पनीर को मिक्सी में अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है पनीर का, और उसको बैटर के साथ में मिक्स कर देना है और सेम इसी तरीके से घेवर बनाकर तैयार करना है। तो हमारा पनीर का घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारे दूध का घेवर और रबड़ी घेवर बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।